सो हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों अभी फ्री बैठा हुआ तो मैं सोच रहा हूं कि एक सवाल है मेरा, आप लोग सभी जवाब देना। अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो शेयर करना, अगर लगे मैं गलत बोल रहा हूं तो अनसब्सक्राइब करके चले आना। भाई एक बात बताइए, देश में कोविड का सिचुएशन है तो सब कुछ तो ठीक है, ये कॉलेज बंद क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। रैली हो रहा है, चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो फिर ये एग्जाम ऑनलाइन क्यों हो रहा है। अब ऑनलाइन एग्जाम देखो कभी कभी होता है ना, मैं पढ़ाता हूं, मैं एज अ टीचर आपसे शेयर कर रहा हूं, ऑनलाइन एग्जाम अगर कभी कभी होता है तो वो अच्छा लगता है, उसका कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज चलो ठीक है आदमी ले लेता है। बट अगर ये कंसिस्टेंटली ऑनलाइन एग्जाम बच्चे देंगे तो उनका ओवरऑल ग्रोथ कैसे होगा। अब आप सोचोगे कि भैया बीकॉम करके कौन सा ओवरऑल ग्रोथ होना है, ये आपका गलत सोच है। आप खुद सोचो, अगर बीकॉम का एग्जाम आप ऑफलाइन देते थे तो एटलीस्ट उस बहाने कुछ पढ़ते तो थे, कुछ सीखते तो थे, कुछ आपको आता तो था। जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ तब से टीचर्स आपको हेल्प कर देते हैं, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, और आप एग्जाम दे देते हो। अब इसमें गलती लोग हम लोग को ब्लेम करते हैं, लोग हम लोग टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि आप लोग बच्चों को बताते हैं। अरे आप बच्चों से पूछिए, अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो बच्चे किसी और के पास जाकर के पूछेंगे। और बताइए सीयू ने ऐसा सिस्टम किया है या कोई भी यूनिवर्सिटी, चलो ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं कि प्रॉब्लम तो होना ही है, बच्चे तो चीटिंग करेंगे ही। आप ऑनलाइन एग्जाम इतना स्ट्रिक्ट लीजिए, इतना टफ लीजिए कि बच्चे पढ़े। तो बच्चों अगर इस तरह से हम लोग एग्जाम देते रहेंगे, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे नॉलेज में जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, अगर इस तरह से अगर ऑनलाइन एग्जाम देते रहेंगे तो उसका कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज कहां होगा, आप ही बताइए। और अब तो कॉलेज खुलना चाहिए मेरे हिसाब से, और बोर्ड एग्जाम तो एकदम कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर इस बार बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ भाई तो हम लोग बोर्ड एग्जाम हम लोग को चाहिए, मतलब चाहिए। वी डोंट वॉन्ट दिस ईयर द कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम। हमने खुद लास्ट ईयर वीडियोस दिए बहुत सारे, हमने कहा कि भाई एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, उतना नॉलेज नहीं था, लगा कि चलो ये बहुत खूबसूरत होता होगा, बट हमने देखा कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सही नहीं है। बच्चों का नॉलेज ही नहीं हो रहा, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप हमको बताइए कि एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऑफलाइन, और आप क्या चाहते हैं कि कॉलेज अब खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। अरे भाई रैली में हजारों हजारों लोग जाते हैं, उनको कोरोना नहीं होता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग कॉलेज में जाएंगे वहां पर कोरोना हो जाएगा। ये कैसा विडंबना है, कैसा हिपोक्रेसी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों अगर आप हमारे बात से सहमत हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और मैं अभी लगातार इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो दूंगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं इस वीडियो को दूंगा। और मैं चाहता हूं कि कॉलेज खुले, मैं चाहता हूं कि कॉलेज अगर नहीं भी खुलता है तो ऑफलाइन एग्जाम्स लिए जाएं, क्योंकि अब ये ऑनलाइन एग्जाम्स का कहां सीए इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है बताइए, कहां सीए इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम लिया आप हमको बताइए, कहां बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम ऑनलाइन लेते हैं बताइए, तब आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम भी ऑनलाइन लीजिए तब, अगर आपको उतना इंपॉर्टेंस है। तो फिर जो हमारे बच्चे जिनका थोड़ा बहुत विकास होता था 10 और 12 और कॉलेज के नाम पर, उनका विकास और वृद्धि, डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों रुका हुआ है। सो प्लीज गाइस, हम चाहते हैं कि कॉलेज खुला जाए, और नहीं भी खुले तो कम से कम ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए।